3 नवंबर बिहार के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि 3 नवंबर को महागठबंधन सरकार बनने के बाद पहली बार उपचुनाव मोकामा और गोपालगंज में होने जा रहा है, जिसमें वोटिंग की तिथि 3 नवंबर है। मोकामा के राजद विधायक आनंद सिंह जेल में है, सजा हो गई, और गोपालगंज के सुभाष सिंह की मौत हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में मैं आज मोकामा पर चर्चा कर रहा हूं कि मोकामा में आज भी गुंज बब्बर शेर कहे जाने वाले, छोटे सरकार कहे जाने वाले कई ऐसे नाम हैं, अनंत सिंह की गुंज रही है। चूंकि अनंत सिंह को 10 साल की सजा हो गई AK-47 रखने के मामले में, लेकिन आज भी मोकामा में गुंज सुनाई पड़ती है अनंत सिंह की। अनंत सिंह पर दर्जनों हत्या का मामला दर्ज है, कई अपराध में उनकी संलिप्तता है, मगर जो सामने हैं लड़ने वाले ललन सिंह की पत्नी, ललन सिंह भी अपराधी प्रवृत्ति के, मंत्री हत्या में उनकी नाम था। तो अनंत सिंह को अगर मतदाता छोड़ते हैं तो उधर भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग, कहा जाता है सूरज भान सिंह के भाई ललन सिंह और उसकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। तो मोकामा में एक जमाने में दिलीप सिंह विधायक हुआ करते थे, जो अनंत सिंह के बड़े भाई थे। फिर अनंत सिंह जदयू के एमएलए बने, निर्दलीय एमएलए बने, राजद के एमएलए बने, और बीजेपी और जदयू की जब सरकार थी, साझा सरकार, तो उस वक्त राजद के अनंत सिंह विधायक थे। छापामारी होती है, AK-47 पकड़ा जाता है, बबेला भी मचा कि AK-47 रख कर अनंत सिंह को नीतीश कुमार ने फंसा दिया। नीतीश कुमार से नहीं बन रही थी, इसीलिए लिपि सिंह एसपी थी, जो आरसीपी सिंह की बेटी थी, और आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के खासम खास थे। कड़ियां जुड़ती नजर आ रही है, नीतीश कुमार से आरोप लगा था, मगर राजद के टिकट पर वो विधायक बनते हैं और सजा होती है, जगह खाली होता है, और अब नीलम देवी उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। सरकार बदल जाती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, जदयू राजद एक साथ हो जाती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के ललन सिंह भी प्रचार करने मोकामा गए हैं और नीलम देवी को जिताने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। अन्य जदयू के नेतागण भी जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन माने या न माने, आज भी मोकामा में गुंज अनंत सिंह की सुनाई पड़ती है। अनंत सिंह लाख अपराधी हो, लेकिन लोगों का मानना है कि वो हेल्पफुल लोग थे। यादवों का आरोप है कि अनंत सिंह ने आधा दर्जन यादवों की हत्या करवा दी है, जो बढ़ रहे हैं यादव उसकी पंडारक के यादवों की हत्या करवाई है। फुट उस हत्याकांड में अनंत सिंह जेल भी गए। कुछ लोगों का आरोप है कि अनंत सिंह केवल भूमिहारों के नेता हैं, लेकिन दुर्भाग्य कहें या वोट का समीकरण कहें, मोकामा से जब भी कोई जीतेंगे तो भूमिहारी चुनाव जीतेंगे, भूमिहार के अलावे वहां से कोई दूसरे नहीं जीतते, और जब भी जीतेंगे तो बंदूक राइफल वाले ही जीतेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में अनंत सिंह को छोड़कर अगर मतदाता ललन सिंह के पत्नी की ओर जाते हैं तो वो भी वही ढाक के 3 पात, अनंत सिंह अपराधी तो ललन सिंह अपराधी, सूरज भान सिंह अपराधी, सारे अपराधियों का जमा बड़ा मोकामा में है। उस मोकामा में अपराधियों के जमा बड़ा के बीच में कोई विकल्प जनता के पास नहीं कि वोट दे तो किसे दे। अब नीलम को नहीं दे तो उधर भी अपराधी परिवार
इधर भी आरोपित परिवार तो नीलम देवी ने मुंगेर लोकसभा चुनाव भी लड़ा, अनुभव है, राजद का टिकट प्राप्त है, अनंत सिंह की पत्नी है, तो अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नीलम देवी को जनता का मत पड़ेगा। अनंत सिंह की गूंज, अनंत सिंह की खनक, अनंत सिंह का रुतबा और नीलम देवी का अनुभव काम आना तय माना जा रहा है। सात पार्टी के नेतागण प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, सबकी पुरजोर कोशिश है कि दोनों सीट से राजद जीते, मोकामा और गोपालगंज, प्रयास जारी है। गुंज अनंत सिंह की बरकरार है, छोटे सरकार के नाम से जाने जाने वाले अनंत सिंह आज भी जनता के दिल में बसे हुए हैं, जनता आज भी अनंत सिंह को ही मानती है, ग्राउंड रिपोर्ट यही बताता है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आज भी क्षेत्र में दौरा कर लोगों से वोट की भीख मांग रही है, और उधर ललन सिंह की पत्नी भी वोट मांग रही है। अनंत सिंह जेल में है, अनंत सिंह के लिए महागठबंधन प्रयासरत है। देखना यह होगा कि 3 नवंबर को क्या लालटेन की लौ जलेगी या कमल फूल खिलेगा, अब तो वहां के जनता पर डिपेंड करता है। आरोप की बात अगर की जाए तो दोनों तरफ के नेता आरोपित हैं, वहां दूसरे किसी भले आदमी को न टिकट मिलती है न जीतते हैं, जब भी जीतेंगे तो लाठी डंडा वाला फरसा, राइफल बंदूक गोली बम वाले ही जीतेंगे। इसलिए अब उसी में तय करना है कि हथियारों के जखीरा को रखने वाले और नामी बदनामी आदमी में ही कौन सही जिसे वोट दिया जाए, तो उसमें अनंत सिंह की पत्नी खड़ा उतर रही है ऐसा कहा जाता है। अब देखना होगा कि 3 नवंबर को क्या फैसला जनता का होता है, और उसके बाद मैं आपको फिर अवगत कराऊंगा। मोकामा में उपचुनाव 3 नवंबर को है, वोट पड़ेंगे, 6 को रिजल्ट आना है, तय होगा कि महागठबंधन आगे या भाजपा आगे। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।